बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, करनाल से बड़ी खबर है, बागपति गांव में लाठी डंडे चले हैं। जी हां, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। होली के मौके पर दो पक्षों के बीच विवाद देखने को मिला और विवाद लगातार बढ़ता चला जा रहा था। दोनों पक्षों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ भी की है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। वहीं पथराव में पुलिस की गाड़ी के शीशे भी टूटे हैं। तो पुरानी रंजिश को लेकर ये मारपीट हुई थी, पुराना कोई मामला रहा होगा, जिस वजह से होली के मौके पर ये परिस्थितियां प्रतिकूल हो गई। हालांकि होली का पर्व लोग ये सोचकर भी मनाते हैं, ये इंटेंशन भी भीतर छिपी होती है कि सारी बुराइयों को हम दूर करेंगे और जो दुश्मनी लंबे समय से बनी हुई है उसको भी भूल जाएंगे। लेकिन होली के मौके पर यहां पर कुछ अलग ही देखने को मिला है, पुरानी रंजिश देखने को मिली, जिसकी वजह से मारपीट लगातार दोनों पक्षों में देखने को मिली। तो बागपति गांव में ये लाठी डंडे चले हैं। होली के मौके पर जब लोग अपनी दुश्मनी को भुलाने की कोशिश करते हैं और कई कविताओं और कई शायरियों के जरिए इस बात को समझाने और बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये होली का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का होता है, ये पर्व एक एग्जाम्पल सेट करता है ताकि आप अपनी दुश्मनी को भूल जाएं और अपने संबंधों को प्रगाढ़ करें। लेकिन कुछ लोग आपसी रंजिश को अपने दिल दिमाग में रखते हैं और फिर होली के मौके पर ही उस आपसी रंजिश को ध्यान में रखते हुए उत्पात मचाते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी लक्ष्य वर्मा जुड़ गए हैं। लक्ष्य वर्मा, ये पूरा मामला क्या रहा और फिलहाल अपडेट क्या है? यश, अगर बात की जाए देर रात की, जिस तरीके से बागपति गांव, करनाल जिले के बागपति गांव के अंदर दो गुटों में जो है झगड़ा हो गया था, और उसके बाद क्योंकि पुराना ये मामला बताया जा रहा है, काफी समय पहले भी आपस में जो है लड़ाई झगड़ा हुआ था, और उसके बाद कल भी एक होली के त्योहार पर इनका गांव के अंदर ही झगड़ा हुआ, और उसके बाद करनाल के सिविल हॉस्पिटल के अंदर एक पक्ष जो है अपना मेडिकल करवाने पहुंचता है, तो वहां पर मौके पर पुलिस पहुंचती है, तो वहां पर पुलिस के ऊपर ही जो है जो डंडे बरसा दिए जाते हैं, पथराव कर दिया जाता है, वहीं हॉस्पिटल का नुकसान कर दिया गया है। ऐसे में जिस तरीके से हमारी जो करनाल के सिविल हॉस्पिटल के पीएमओ है उनसे बात की, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि हॉस्पिटल के जो 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 गेट्स हैं या फिर कांच के दरवाजे हैं वो तोड़ दिए गए हैं, और पुलिस के जो कुछ मुलाजिम है, कर्मचारी हैं, वो इस झड़प में घायल हुए हैं। जी, बात करें ये उत्पात के बाद जो भरपाई को लेकर बात सामने आ रही है, भरपाई को लेकर क्या सोचा गया है? बिल्कुल, जिस तरह से जिले की पुलिस कल देर रात जो हॉस्पिटल के अंदर छावनी में तब्दील कर दिया गया था, अगर बात की जाए भरपाई की, तो भरपाई पे अभी क्योंकि अभी जिस तरीके से करनाल के एसपी हैं उनसे भी आज, क्योंकि देर रात हो चुकी थी और आज एसपी से हम इस विषय पे बात भी करेंगे, आखिर इस विषय में क्या कुछ अपडेट रहा है, क्योंकि काफी संख्या के अंदर जो ये लोग थे, जो दो गुटों के जो लोग थे, काफी संख्या के अंदर बताया जा रहा था, और पुलिस भी दल बल के साथ वहां पर पहुंची थी, और ऐसे में देखना ये होगा कि पुलिस कितनी कड़ी कार्रवाई करती है, क्योंकि मामला हॉस्पिटल से जुड़ा था, कहीं ना कहीं जो वहां पर जो लोग थे वो भी थे, जो एडमिट थे वो, उनमें भी हड़कंप मच गया था। जी ठीक है लक्ष्य, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो जहां पर देखिए होली का पर्व एक बहुत से एग्जाम्पल सेट करने को लेकर जाना जाता है कि आप अपनी पुरानी रंजिश को भूल जाएं, आप अपनी दुश्मनी को भूल जाएं, लेकिन होली के पर्व का मौका देखकर ही लोग आपसी रंजिश को अंजाम देते हैं और पुरानी रंजिश को याद करते हुए उत्पात भी मचाते हैं, जिसका खामियाजा लोगों को भी भुगतना पड़ता है। तो पुरानी रंजिश को लेकर